L&T फाइनेंस में लोन अप्लाई करने का सही क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी फाइल इसमें रिजेक्ट हो जाती है तो कैसे उसको रीलॉगिन करना है, कैसे आपको इंस्टेंट लोन लेना है। सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिल जाएगा, चाहे वो 5,000 से लेके 5,00,000 तक का आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा। सिर्फ आपको 1 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन क्रेडिट हो जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस आपने हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पे आपको प्लेनेट एक एप्लीकेशन मिलेगा L&T का, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आप मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, डाउनलोड भी काफ़ी अच्छे हैं एंड सिक्योर है एप्लीकेशन। यहाँ से आपको 1,00,000 से लेकर आपको 5,00,000 का भी लोन यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है, जिसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें लोन कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस पर हम व्हीकल लोन, अपना कंज्यूमर लोन, इंस्टेंट लोन, कई प्रकार के इसमें लोन हम ले सकते हैं। तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस इसका देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस नंबर से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको जो भी इसी कंडीशन है इसको अलाउ करके इसको प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है अपना, एंड इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर से आपको करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल मेरी पर्सनल होगी, मैं अपनी डिटेल को हाइड कर दूंगा, बाकी आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे मैं इसमें लोन के लिए अप्लाई करूंगा, कैसे मेरा अप्रूवल आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। रजिस्टर करने के बाद में ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर एक आपको मिलेगा इंस्टेंट पर्सनल लोन, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आई डी, पैन नंबर और अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। नीचे आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड। यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक वैलिड पैन नंबर का एक ऑप्शन भी मिलेगा, वहाँ पे भी आपको क्लिक करके इसको वैलिड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की आपको डिटेल फिलअप करने के बाद में, थोड़ा सा मैं वीडियो को हाइड भी कर दूँगा, अपनी जो पर्सनल डिटेल होंगी उनको मैं हाइड कर देता हूँ। उसके अलावा आपको बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जिसमें आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, जीमेल आईडी होगी, पैन नंबर होगा और आपके एरिया का पिन कोड होगा। और इनकम में आपको आप जो एनुअल इनकम है वो आपको 3 से 5,00,000 के बीच में आपको रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नीचे जो अमाउंट है वो 7,00,000 पे आप रहने दो, जितना अप्रूवल आएगा आपको मिल जाएगा, वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल फिलअप करने के बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक अप्रूवल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरे को जो अप्रूवल मिला है वो 50,000 का अप्रूवल मिला है। अब इसे मैं नेक्स्ट करने के लिए इसको कंटिन्यू करूंगा, और इसमें अपनी डिटेल है जो फिलअप करके मैं यहां से इसको सबमिट कर दूंगा। आइज़